एक ही देश। दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल होता है, हॉलैंड और नीदरलैंड तो अलग अलग देश है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, हॉलैंड कोई अलग देश नहीं है, यह तो नीदरलैंड का ही एक हिस्सा है जो कि नीदरलैंड के उत्तरी और पूर्वी हिस्से को कहा जाता है। तो अब आपके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा कि हॉलैंड कोई अलग देश नहीं है बल्कि ये तो नीदरलैंड में ही स्थित है, यूरोप का सबसे निचला देश। जी हाँ दोस्तों, लो कंट्री ऑफ यूरोप। दोस्तों यूरोप के तीन देश बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग को यूरोप का लो कंट्री कहा जाता है, यानी इन देशों का जो लैंड है ना वो समुद्र तल से काफी नीची है, जिसकी वजह से इसे यूरोप का लो कंट्री कहा जाता है। दोस्तों नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र तल से तकरीबन 1 मीटर नीचे होने के कारण इसने अपने समुद्र किनारों में तकरीबन 1495 किलोमीटर लंबा दीवार बनवा रखा है ताकि समुद्र पानी देश के अंदर ना आ पाए। अगर यह दीवार को हटा दिया जाए ना तो तकरीबन आधा नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। यही वजह है कि नीदरलैंड में नदी, कनाल और झीले लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ ही साथ नीदरलैंड के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर यातायात के लिए सड़क से ज्यादा कनाल का इस्तेमाल किया जाता है। विंड एनर्जी का सही उपयोग। दोस्तों नीदरलैंड विंड एनर्जी का इस्तेमाल सदियों से करता आ रहा है। यहाँ पर विंड मिल का इस्तेमाल वृहद संख्या में आज भी किया जाता है। आपको बताता चलूं, विंड मिल एक तरह का हवा से चलने वाली पंप होती है जिसे सदियों से नीदरलैंड में पानी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे तकरीबन 1000 से भी ज्यादा विंड मिल आज भी प्रचलित में है। साथ ही यहाँ पर पवन चक्की का भी इस्तेमाल वृहद संख्या में किया जाता है। बड़े बड़े पंखों वाली यह मशीन के द्वारा बिजली बनाया जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड अपनी जरूरत की 85% बिजली विंड एनर्जी से ही उत्पादन करती है, और यही वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन भी विंड एनर्जी से ही चलती है। यूरोप का बेहद ही आकर्षक देश। दोस्तों पर्यटन के लिहाज से नीदरलैंड यूरोप का सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। दोस्तों इस छोटे से देश को हर साल तकरीबन 2 करोड़ लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ का मुख्य आकर्षक प्लेस यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है। दोस्तों नीदरलैंड यूरोप के उत्तरी छोर में स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है।